हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैंपुलिस चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका स्टॉक प्राइस 2 रुपये के है आसपास है, और इसमें आज इसमें 5% का डाउन भी देखने को मिला है। और सबसे ख़ास बात इस स्टॉक में कि इसमें 3 बड़े प्लेयर इस स्टॉक के पीछे लगे हुए हैं, इस स्टॉक को एक्वायर करने के लिए, इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक्चुअली। तो उसकी वजह से इसमें बहुत लोगों का उम्मीद है कि स्टॉक आगे चल के बहुत धमाल करेगा जब ये बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर लेगी। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों ने हमें इस पर रिव्यू करने के लिए बोला था कि इसमें काफ़ी कुछ लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो इस स्टॉक में बने रहना कैसा रहेगा या फिर इसमें फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा। तो उसी सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, इसमें इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो ये 2 रुपये का स्टॉक जो है जेफी इंफ्राटेक लिमिटेड है, जो आप सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती कंपनी। और ये अभी 2 रुपये के आसपास, 2 रुपये 40 पैसे के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और इसमें आज इसमें देखिए एनएससी में इसने 4% का डाउन देखने को मिला, और बीएससी इसमें करीब करीब 4.7 के आसपास इसमें परसेंट के आसपास डाउन देखने को मिला है। इतनी छोटी स्टॉक होने के बाद इसमें जो वॉल्यूम है वो आपको आश्चर्यचकित करेगा कि आश्चर्य होंगे इसका देख करके। इसका वॉल्यूम इसमें 53 लाख करीब 90 हज़ार के आसपास इसमें वॉल्यूम है आज, तो ये भी एक अजीब बात है। मतलब ये इंट्राडे के लिए स्टॉक बन चुकी है और इंट्राडे करके इसमें लोग बहुत कमा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो भी इन्वेस्टर रिक्वेस्ट के इस पर रिव्यू करने के लिए, उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इस पर रिव्यू करूँगा कि इसमें है कैसा है, क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्टॉक के बारे में अभी देखेंगे कि इसका जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है, और इस पे जो डेट है और डेट को लेके जो कंपनी डूब रही है उस पे क्या एक्शन है, और कौन वो 3 बड़े प्लेयर हैं जो इस स्टॉक को एक्वायर करने के पीछे लगे हुए हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक चीज़ जान लें कि इसका जो मार्केट कैप गिर के देखिए कितना छोटा हो गया है। 338 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, पी रेशियो का तो कोई ठिकाना नहीं है कहाँ पर है, और इसका जो डिविडेंड है वो भी कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 है, और इसमें डिलीवरीज़ भी देखिए 55 का डिलीवरीज़ है इसमें। अब चलते हैं जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ को पहले जानते हैं, उसके बाद इसके विकिपीडिया पे जाके हम लोग डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे जाएंगे इसके, वहाँ से इसके हर एक बिज़नेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनली लास्ट में आ करके इसके जो भी रेवेन्यू है और डेट कंपनी के ऊपर है और दूसरी जो कंपनी का जो शेयर प्लेस्ड है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप बने रहे इसमें। अब देखिए इसमें ये 14 मार्च की न्यूज़ है यहाँ पे, जिसमें NBCC ने इसको ऑफ़र किया था इस कंपनी को कुछ अमाउंट, जैसे कि 3000 करोड़ का अमाउंट का ऑफ़र किया था इसको एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये जो JP इंफ्राटेक के लेंडर्स हैं उनका कहना था कि थोड़ा और इसमें थोड़ा और इसमें इजाफा किया जाए इसका ऑफ़र प्राइस को। तो उसको अभी न्यूज़ आया है, ये 14 मार्च का न्यूज़ है, उसमें 3000 करोड़ NBCC की तरफ से ऑफ़र किया गया था। और दूसरी जो प्लेयर है इसमें सुरक्षा ग्रुप है, और एक और बड़ी प्लेयर है, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि वो कौन बड़ी प्लेयर है जो अभी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दी इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे NBCC, ये कल की न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 अप्रैल का। तो यहाँ पे NBCC ने जो रिक्वेस्ट किया था लेंडर्स ने JP इंफ्राटेक का, और उसमें NBCC ने अपना इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा करके और जो ऑफ़र प्राइस है उसको बढ़ा करके और एक अच्छा शानदार ऑफ़र प्राइस पेश किया है JP इंफ्राटेक के लेंडर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 5000 करोड़ का जो ऑफ़र किया इसको, और पहले इसने किया था 3000 करोड़ का NBCC ने, तो उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र इसको माना जाएगा, और इस ऑफ़र से अब देखिए इस कंपनी में क्या होगा और इस स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा। तो ये चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट इस स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। और जो दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है और जो थर्ड प्लेयर है, जो बहुत बड़ा प्लेयर है जो इस स्टॉक को एक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, मैं उसके बारे में एक बार बता देना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं,
दो थर्ड पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं। मीन वाइल बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट जो अदानी ग्रुप हैड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू बिड फॉर जेपी इंफ्राटेक। हाउ एवर लैंडर्स आर अनलाइकली टू सक। यहाँ पर देखिए कि जो अडानी ग्रुप है, आप सभी जानते होंगे कि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ी ग्रुप है और बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर कर चुकी है और ये कंपनी भी इंटरेस्ट दिखा रही है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो अगर ये कंपनी बढ़ करके और इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफर करेगी तो हो सकता है ये उनके पाले में चली जाए ये कंपनी, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये स्टॉक बहुत रिस्की है, कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर डिसीजन ले। अगर यहाँ पे जो मैं लास्ट क्वार्टर मतलब इसका जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं 11 फरवरी 2019 का न्यूज़ है जिसमें इसके बिज़नेस में काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला था यहाँ पे, और करीब 465% का इसमें ईयर ऑन ईयर का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है, और उसको अगर अमाउंट में बदले तो 338 करोड़ का इसमें ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट हुई थी कंपनी को। तो ये गुड न्यूज़ रहा है। तो कंपनी के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके पास लैंड बैंक बहुत है, कंपनी के पास बहुत ज़मीन है और बहुत ऐसे ज़मीन है करीब करीब 3,500 एकड़, तो इनके पास ऐसे ज़मीन है जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बस ऐसे पड़ी हुई है। और इनके 20,000 फ्लैट्स डिलीवर करना है, बहुत सा फ्लैट्स आधा अधूरा बन के खड़ा है। तो वो सारे चीज़ों को देख करके इस बिज़नेस में जो पोटेंशियल जो बड़े प्लेयर हैं उसको कुछ इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, जिसके वजह से वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ है, इनके पास एक्सप्रेस वे है जिसके वजह से भी बहुत सारी कंपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। तो वो सब काफ़ी सारे चीज़ हैं इसमें जिसके वजह से आप इसमें आप इन आगे चल के और भी देख सकते हैं, कुछ और भी प्लेयर इंटरेस्ट दिखाएंगे और इस मैदान में आएंगे इनको। अब चलते हैं इनका जो मेन बिज़नेस है उसके बारे में, कौन कौन से इनके पास बिज़नेस हैं। तो ये जो बिज़नेस है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट है, जेपी पावर ग्रिड है, और जेपी होटल्स है, जेपी ग्रीन्स है, JIL इन्फो टेक्नोलॉजी है, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोटेक है, भारतीय विद्या है, और यहाँ पे JP इंफ्राटेक है जिसका मैं अभी बात कर रहा हूँ, भिलाई JP सीमेंट है, JP स्पोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड है, JP ग्रीन्स गोल्फ एंड एस्पा रिजॉर्ट है। तो इतनी बड़ी कंपनी थी ये JP ग्रुप, जो कंपनी है बहुत बड़ी ग्रुप थी और इनके अंदर बहुत सी ग्रुप कंपनी है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल दे समझाने की कोशिश करूँगा ये कंपनी कब फाउंड हुई थी और इनके जो मेन फाउंडर थे वो कौन थे, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जेपी ग्रुप जो है कि 1979 में ये फाउंड हुई थी कंपनी, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स एगो है, 40 ईयर्स पहले की बात है। ये जयप्रकाश गौर जिनके फाउंडर हैं और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, और इनके जो मेन जिस सेक्टर में कंपनी काम करती थी, जो इनको प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने बड़े सेक्टर में ये कंपनी, इतने बड़े बड़े सेक्टर में कंपनी काम किया करती थी। और अभी इसके रेवेन्यू की बात करें तो 138 बिलियन के आसपास इसका अभी रेवेन्यू है कंपनी का। उसको अगर US डॉलर में बोलें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन कह सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.9 बिलियन US डॉलर है 2011 का तक का ये इसका रेवेन्यू का आंकड़ा है। तो यहाँ पे अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 17 बिलियन है US डॉलर का, नहीं सॉरी 17 बिलियन है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। और इम्प्लॉय की बात करें तो 80,000 इम्प्लॉय इनके पास थे, और ये सारे इनके JP के जो हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कितने सब्सिडीज़ कंपनी है। अब मैं सब आपको दिखा चुका हूँ कौन कौन से सब्सिडीज़ कंपनी है। तो अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक और इनका जो मेन वेबसाइट है वहाँ से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग का था, ये सीमेंट का इनका प्लांट था, पावर का प्लांट था, और यहाँ पे एक्सप्रेसवे भी पहले बहुत अच्छा खासा एक्सप्रेसवे भी नोएडा में इसने बिल्ड किया था कंपनी ने। तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी कंपनी काम करती थी। तो कंपनी का बिज़नेस बहुत डाइवर्सिफाइड था, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से कंपनी डूबी। और यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र का भी बिज़नेस है इनका, और हेल्थ केयर का भी था। तो काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं रियल एस्टेट का है,
ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये कंपनी थी, आईटी सेक्टर में, स्पोर्ट्स के लिए भी कंपनी जानी जाती थी, एजुकेशन भी था जिस जो नॉन प्रॉफिट के नाम पे ये जो एजुकेशन भी चलाते थे। तो ये सारा चीज़ था। यहाँ पे बिज़नेस में जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर अगर आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर सीधा इसका एक बार हम लोग यहाँ पे बिज़नेस देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का भी बिज़नेस और रेवेन्यू कैसा है। तो सबसे पहले इसमें म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड कोई भी नहीं है क्योंकि पेनी स्टॉक है, ये डूबती हुई नैया है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। एक बार शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। तो शेयर होल्डर पैटर्न में देखिए, तो अभी जो इन्वेस्टर के पास इसका स्टेक है ऑलमोस्ट 61% के आसपास, इसके प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 61% का स्टेक है, और दूसरी इसमें एलआईसी इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ है, उनके पास 2.44 का स्टेक है। आईडीबीआई बैंक है, उनके पास 1.7 का स्टेक है। तो ये कुछ बड़े पब्लिक शेयर होल्डर हैं। अब चलते हैं सीधा इसके रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू की बात करें तो अभी कंपनी के पास घट करके जो रेवेन्यू यहाँ पे 2014 में जो स्टैंड अलोन में, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जो रेवेन्यू 2013 में करीब 3200 करोड़ का था, वो रेवेन्यू घट करके 1159 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रह गया है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जहाँ पे करीब करीब 694 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करती थी 2013 में, वो प्रॉफिट घटते घटते करके अभी यहाँ पे 1450 करोड़ के आसपास में माइनस में है। तो बहुत हेवी लॉस में है कंपनी। रिजर्व भी देखें कंपनी के पास तो 450 करोड़ के आसपास रिजर्व पैसा है। वहीं पर शेयर होल्डिंग फंड देखें तो 1847 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व फंड है कंपनी, शेयर होल्डिंग फंड है करीब 1847 करोड़ का। और कंपनी के ऊपर जो सबसे टेंशन वाली बात है वो कंपनी के ऊपर कर्ज है, करीब 8000 करोड़ के ऊपर कर्ज है, 8325 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। और इतना कुछ बर्बाद होने के बाद कंपनी के पास ईपीएस के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, ईपीएस इसका माइनस में। तो ये रहा आज का एनालिसिस इस स्टॉक पे, जेफी इंफ्राटेक पे। तो इसमें मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने का, अपने तरफ से पूरे तरह से एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें, और भी और किसी के कहने पर डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, पूरी तरह से एनालिसिस करें, सेटिस्फाई हों और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, तभी आप इन्वेस्ट करें, और थोड़े थोड़े करके कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।